आज आप सभी को स्ट्रेट सलवार की मूरी का डिज़ाइन बताने वाले हैं। ये हमारी सलवार की मूरी है। इसके बाद हमने पेस्टिंग वाली बुकरम ली है, जो कि हमने 1.25 इंच की चौड़ाई रखी है। इसके बीच हम डिज़ाइन को कट करेंगे। पहले बुकरम को ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे, इसका सेंटर है ये। अब इसके बाद हम कोई भी गोलाई वाली चीज़ ले लेंगे, ये हमने किसी चीज़ का ढक्कन ले लिया है। इसकी साइड में हम ड्रॉ करते हुए जाएंगे। ये देखिए, हमने बुकरम को फोल्ड किया, तब सबसे पहले हम इसकी ऊपर हाफ राउंड को बना रहे हैं। अब इसके बाद हम फुल राउंड को बनाते जाएंगे, इसके साथ में ही ऐसे रखेंगे और इसकी शेप में ड्रॉ कर देंगे। सारी बुकरम के ऊपर इसी तरह से शेप को बना लेंगे और ड्रॉ करते हुए जाएंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इसी बुकरम को जहाँ पे हमने निशान लगाया इसको कट करना शुरू करेंगे। बुकरम को आपको अच्छी तरह से मिलाकर कट करना है और पूरी तरह से शेप में कट करना है। वैसे तो आप इस डिज़ाइन को प्लाजो पैंट की मोरी या फिर कुर्ती के दामन के ऊपर बना सकते हो, पर हम ये डिज़ाइन स्ट्रेट सलवार की मोरी के ऊपर बना रहे हैं। ये डिज़ाइन वैसे तो स्लीव्स में, कुर्ती के दामन में और प्लाजो पैंट की मोरी में सभी में अच्छा लगने वाला है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखना। तो चलिए, ये देखिए हमारी बुकरम कट हो चुके। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, इस एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इस बुकरम को कट किया है। उसको रख कर हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और इसकी साइड में जो फोल्डिंग है उसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब हमने डिज़ाइन वाली पट्टी को स्ट्रेट सलवार की मूरी के ऊपर रखा है, इसको रख कर अच्छी तरह से स्टिच कर लेंगे। जो हमारी शेप बनी हुई है उसी शेप में हम सिलाई को लगाते जाएंगे और इसको पूरी तरह से अटैच कर लेंगे। जैसे कि हमने थोड़े बड़े बड़े कटवर्क बनाए हैं, आप इसका साइज थोड़ा सा छोटा भी रख सकते हो। ये देखिए, ये हमारी सिलाई लग चुकी है। इस सिलाई को लगाने के बाद जो हमने इसके बीच वाला फैब्रिक है उसको कट कर देना है। एक एक पैर का इसको फैब्रिक को छोड़ देंगे और गोलाई में इसको कट कर देंगे। यहाँ पे ज़्यादा फैब्रिक छोड़ने से भी सफाई नहीं आती है, बस आपको एक पैर से कम फैब्रिक नहीं छोड़ना है। सारे डिज़ाइन को बीच में से कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो हमारी गोलाई वाली शेप है उसमें हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, तो ही ये आसानी से इसकी बैक साइड में फोल्ड हो पाएगा। जितनी भी हमारी गोलाई वाली शेप है उन सभी में हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। इसी तरह से करते हुए जब हमने कट लगा लिए, उसके बाद हम इस बुकरम को पीछे वाली साइड में फोल्ड कर लेंगे और इसके जो कॉर्नर हैं उसको अच्छी तरह से नुकीली चीज़ से निकाल लेंगे। इसे पहले आप अच्छी तरह से निकाल लेना, फिर ही इसके बाद जो स्टेप करना है वो करना। निकालने के बाद इसके ऊपर हम प्रेस कर लेंगे, जिससे कि फिनिशिंग आ जाएगी। यहाँ तक हमारा डिज़ाइन बनने के बाद हमने एक लेस ली है। ये देखिए, हमने काफ़ी बड़ी लेस ली है, जो कि एक साइड वाली लेस है। आपको ऐसी कोई भी लेस ले लेनी है। लेने के बाद जो हमने डिज़ाइन बनाया उसकी शेप में हम इस लेस को लगाते जाएंगे। जैसे कि हमारी गोलाई आ रही है, गोलाई में हम इस लेस को लगाएंगे। अब जब कॉर्नर आएगा उसमें हम छोटा सा कॉर्नर बनाते हुए फिर से गोलाई की शेप में सिलाई को लगाते जाएंगे, जिससे कि हमारी लेस अटैच होती जाएगी। ऐसे ही करते हुए हम सभी डिज़ाइन के ऊपर लेस को अटैच कर लेंगे। वैसे तो इस लेस के ऊपर हम डबल सिलाई को भी लगाएंगे, जिससे कि हमारी लेस अच्छी तरह से पक्की हो जाएगी। अब इसके बाद हमने एक और लेस ली है। इस लेस के साइड में छोटी छोटी सी बिंदियाँ बनी हुई है और इसके साथ में एक लाइन है, जिसको हम कट करके निकाल देंगे। कट करने के बाद जो लेस हमारी रह गई है उसको हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर, यानी कि एक पैर का मार्जिन छोड़कर उसी शेप में लगाना शुरू करेंगे। आपको ऐसी पतली वाली काफ़ी सारी लेस ले लेनी है। इसके बाद हमने एक और डिज़ाइन वाली लेस ली है। इसके भी साइड वाली जो एक लाइन है उसको कट करके निकाल लेंगे और कट करने के बाद जो लेस बची है उसको सेंटर में सिलाई लगाते हुए इसी शेप में हम लगाना शुरू करेंगे। ये लेस काफ़ी बारीक हो चुकी है, इसके ऊपर हम एक ही सिलाई को लगाते जाएंगे, जिससे कि हमारी लेस एक ही सिलाई में स्लीव्स के साथ अटैच हो जाएगी। अब इसके बाद हमने फिर से वही लेस को लगाया है जो हमने पहले लगाई थी। यहाँ तक डिज़ाइन बनाने के बाद हमने फिर से एक पेस्टिंग वाली बुकरम लिया है, जिसको हमने फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया है। इस बुकरम की चौड़ाई 1.25 इंच है। इसको फोल्ड करते हुए इसकी किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारा फैब्रिक है जो बुकरम के साथ अटैच हो जाएगा। अब ये हमारी मूरी है। इस मूरी को हम कटवर्क वाले डिज़ाइन के नीचे रखेंगे और कटवर्क के जो कॉर्नर हैं उसका निशान हम इस पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। लगाने के बाद जहाँ पे हम मोती से इसको अटैच करेंगे, हमने कटवर्क के कॉर्नर में से सुई को निकाला, फिर हमने मोती को निकाल लिया। निकालने के बाद जो नीचे वाली पट्टी है उसके बीच में हमने सुई को निकाल लेना है।
यहाँ तक करने के बाद मोती के बीच में दो तीन बार सुई को निकालेंगे और ऊपर नीचे करते हुए इसको अच्छी तरह से अटैच कर लेंगे। आपको यहाँ पे मोती पूरे ध्यान से पक्का करते हुए लगाना है, क्योंकि इसी मोती के साथ हमारी मूरी सलवार के साथ अटैच हुई है, इसीलिए आपको पक्का करके लगाना है इसको। जो सभी कटवर्क के कॉर्नर हैं उनको हम मोती लगाते हुए नीचे वाली मूरी के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए हमारा यहाँ तक हो गया है। अब इसके बाद हम सलवार की साइड से सिलाई लगाएंगे। इसको डबल फोल्ड करते हुए कटवर्क को मिलाते हुए मूरी का निशान लगाएंगे, जितनी हमने मूरी रखनी है। मूरी का निशान हम हल्का सा तिरछा लगाएंगे। मूरी के ऊपर सिलाई को पक्का करते हुए ऐसे निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर वाला जो फैब्रिक है उसके ऊपर हम स्टिच करेंगे। जो बीच में हमारा ये खाली गैप रह गया उसके ऊपर आपको स्टिच नहीं करना है। यहाँ से फिर से आपको पक्का करके शुरू करना है और सिलाई को लगा देना है। सिलाई को लगाने के बाद इसके साइड में जो वेस्ट फैब्रिक है उसको थोड़ा सा कट करेंगे और खाली जगह पे जो हमारी सिलाई है उसको भी निकाल देंगे और ऊपर वाले फैब्रिक को भी एक्स्ट्रा कट करेंगे। कट करने के बाद नीचे वाली मूरी है उसको तिरछा इस तरह अंदर वाली साइड में फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई को लगा लेंगे, जिससे कि ये हमारा मूरी के बीच में नहीं दिखेगा। यहाँ तक हमारी मूरी का डिज़ाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसको फोल्ड करके सीधा करके आपको दिखाते हैं कि हमारा डिज़ाइन कैसा बना है। ये देखिए पीछे वाली साइड से हमारा ये डिज़ाइन ऐसा दिख रहा है और फ्रंट वाली साइड से इस तरह का बहुत ही प्यारा सा हमारा ये डिज़ाइन बना है। और आप सभी को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि कैसा बना है स्ट्रेट सलवार की मूरी का डिज़ाइन। इसी तरह से आप स्लीव्स, ट्राउज़र और कुर्ती के दामन के ऊपर इसी तरह का डिज़ाइन बना सकते हो सेम। इसको हम पहनकर भी बताएंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा हमारा डिज़ाइन लग रहा है। इस सलवार की मूरी हमने खुली इसलिए रखी है क्योंकि स्ट्रेट सलवार की मूरी ज़्यादा खुली ही अच्छी लगती है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।